यार मेरी वीडियो ना बनाने की वजह यही है, मेरी जॉब है, क्योंकि मैं अब अपनी आज़ादी में नहीं हूँ, मैं जॉब करता हूँ, मुझे पैसों की ज़रूरत थी। तो एक दिन हसन हमीद की वीडियो देखकर मुझे भी जो है ना जज्बा आ गया, मैं इंस्पायर हुआ और बस इंसान तो एक जरिया ही बनता है। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने इतना प्यार दिखाया मेरी पहली वीडियो पर। मेरे लेवल के हिसाब से तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छे व्यूज़ आए हैं, और उस वीडियो पर काफ़ी लोगों ने कमेंट्स किए थे कि आप जो है वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं। यार मेरी वीडियो ना बनाने की वजह यही है, मेरी जॉब है जो मुझे काफ़ी टाइम फ्री रहने के बाद मिली थी, जिसमें मुझे काफ़ी टाइम भी देना पड़ता है, और ड्यूटी के दौरान मैं वीडियो भी नहीं बना सकता क्योंकि वहाँ पर मोबाइल वगैरह अलाउ नहीं होता, मतलब इस्तेमाल के लिए अलाउ होता है, वीडियो वीडियो बनाने पर पाबंदी है फैक्ट्री वगैरह की और अपनी भी, तो इसीलिए जो है मैं वीडियो नहीं बना सकता, तो माजरत है। लेकिन यार इसका मतलब ये नहीं कि मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा तो यार आप लोग मेरे साथ इंगेज नहीं रहेंगे, इंशाल्लाह मैं वीडियो बनाऊंगा। आपने जो है ना मेरे साथ इंगेज रहना है यार, आपने अपनी वो जो मोहब्बत मुझे पहली वीडियो पर दिखाई है आप लोगों ने, वो मुझे दूसरी तीसरी चौथी जितनी भी मैं वीडियो डालूंगा उन सब पर चाहिए। आप लोगों की वजह से ही जो है इंशाल्लाह मैं ग्रो हो सकता हूँ और जो शौक के चक्रों से बाहर आ सकता हूँ, क्योंकि अब तक मैंने जितनी भी वीडियोस डाली हैं आप लोगों को इतना अंदाज़ा, आप लोगों ने इतना जज कर लिया होगा कि मैं वीडियो भी लोग बना सकता हूँ या नहीं। आपने मेरा शौक तो देख ही लिया होगा, मुझे काफ़ी शौक है, काफ़ी टाइम से ही शौक रहा है, लेकिन जो है मैं नहीं बना सकता था। तो एक दिन हसन हमीद की वीडियो देख कर मुझे भी जो है ना जज्बा आ गया, मैं इंस्पायर हुआ, और बस इंसान तो एक जरिया ही बनता है एक दूसरे का, तो मैंने वीडियो बनाई और अल्हम्दुलिल्लाह उस पर अच्छे व्यूज आए हैं। तो मैं आप सबका शुक्र गुजार हूँ, मैंने सिर्फ ये बताने के लिए वीडियो बनाई है कि कुछ लोग जो है कमेंट्स कर रहे थे आप वीडियो ज्यादा नहीं बना रहे, डेली वीडियो बनाया करें, तो यार आप लोग इस चीज को समझ लें कि इंसान की कुछ मजबूरियां होती हैं, क्योंकि मैं अब अपनी आज़ादी में नहीं हूँ, मैं जॉब करता हूँ, मुझे पैसों की ज़रूरत थी, क्योंकि आपको पता है आजकल फिनंशियली प्रॉब्लम्स जो है आजकल के दौर में बहुत होती हैं, उसके लिए काम करना भी ज़रूरी होता है। तो इसीलिए मैं जो हूँ यहाँ पर आया हूँ, ये सुंदर इंडस्ट्रियल शेड में जॉब कर रहा हूँ एक फैक्ट्री में। तो ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको अपनी बात समझा दी होगी, आपको समझ भी आई होगी। तो इंशाल्लाह मैं जल्दी अपलोड करूंगा अपनी वीडियो और आप लोगों से शेयर करूंगा उसे। तो यार आप लोगों ने मेरे साथ बने रहना है और मेरे साथ रहना है, बेशक मैं वीडियो लेट डालूं, लेकिन आप लोगों ने यार जाना नहीं, ऐसे लीव नहीं करना मुझे, क्योंकि मुझे आप लोगों से ही खुशी होती है, आपके व्यूज से, आपके लाइक से, आपके कमेंट्स से भी। आप लोगों ने जितने भी कमेंट्स किए हैं यार, आप सबका लव तो मेरी तरफ से लव है आप सबके, तो मेरी तरफ से लव है आप सबके लिए, आप लोगों ने इतना प्यार दिखाया उस वीडियो पर।